Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य विचार रेलवे स्टेशन नया दिल्ली वाई की करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इसको जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की जो है पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अभय ऋण योजना को शुरू किया है। किस बैंक ने अभय ऋण योजना को जो है शुरू किया है, तो KBG बैंक को जो है शुरू किया है। विकास अभय ऋण योजना को जो है KBG बैंक ने जो है शुरू किया है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक जो KBGB है ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME उद्धारकों को राहत देने के लिए विकास अभय ऋण योजना का जो है शुरू किया है। जिनकी व्यवसायिक गतिविधियां COVID-19 महामारी के कारण जो है प्रभावित हुई हैं। चलिए बता दें कि जो KBG बैंक है, देखिए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005 में हुई और इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है तथा जो इसके अध्यक्ष हैं BP गोपी कृष्ण जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए जो है आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है। जो WCD मंत्रालय है इसके साथ जो है आयुष मंत्रालय ने कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए जो है समझौता किया। और बता दें कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो WCD है ये वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला बाल विकास मंत्रालय है। इस समझौते में देश में माताओं और बच्चों को जो कुपोषण की समस्या से निपटने के बारे में जो है चर्चा की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। तो जो HG देवगौड़ा जी पूर्व प्रधानमंत्री ये राज्यसभा की सदस्यता की जो है शपथ की ली है। और बता दें कि HD देवगौड़ा जो है 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे और संसद के 2 सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया आपका 21 सितंबर को। कब मनाया गया? 31 सितंबर को। जानिए कुछ कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम करना और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है की है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है इस दिवस को मनाने की घोषणा की। और बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो 2020 की थीम रही क्या रही, शेपिंग पीस टुगेदर रही। क्या रही? शेपिंग पीस टुगेदर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए किस राज्य के कौशल विकास निगम ने जो है COVID-19 जो संकट के दौरान कारसेरा के साथ समझौता की है साझेदारी, तो तमिलनाडु के साथ की है। किसके साथ? तमिलनाडु के साथ। और बता दूं कि जो कारसेरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य COVID-19 महामारी के दौरान छात्र घर बैठे जो है पढ़ाई कर सकेंगे। चलिए तो तमिलनाडु की बात है तो जान लीजिए कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई तथा जो इसके मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेंद्र कड़म पार्टी से जो है ये सांसद है। और बता दें कि जो गवर्नर हैं यहाँ की बनवारीलाल पुरोहित जी हैं और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। और यहाँ के 3 पड़ोसी राज्य केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। और यहाँ की जो लोकसभा की सीट है 39 तथा जो राज्यसभा की सीट है 18 और विधानसभा की सीट 234 है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं कि फेड कप का नाम बदलकर किसके नाम के साथ जो है नाम पर रखा गया है। तो बिली जीन किंग के नाम पर जो है फेड कप का नाम बदल कर रखा गया है। और बता दूं कि आप अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैंने जितने भी बदले गए शहरों और स्टेट और एयरपोर्ट जितने भी नाम बदले गए हैं उसे मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके जो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो ये बीजी
बिली जिंग किंग कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस का पहला बड़ा वैश्विक टीम टूर्नामेंट होगा जो एक महिला के नाम पर होगा। अमेरिका की महिला टेनिस जो खिलाड़ी बिली जिन किंग को सम्मान देने के लिए जो है फेड कप का नाम बदलकर जो है बिली जिन किंग कप पर रख दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको डेली बाय डेली करंट अफेयर्स की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डेली बाय डेली जो है करंट अफेयर्स जो है अपने मोबाइल पर प्राप्त करें। सो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि जो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? तो 2023 तक की है। कब तक की है? 2023 तक की है। और बता दूं कि जो डीवी सदानंद गौड़ा जी हैं केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो विस्तारा बन गई है। कौन बन गई है? विस्तारा हवाई उड़ान के दौरान जो है फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने की जो है भारतीय पहली कंपनी बन गई है। और बता दो कि जो विस्तारा कंपनी है ये भारत की एयरलाइन कंपनी है और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा में है और इसके जो अध्यक्ष हैं भास्कर भट्ट जी हैं और जो COMD हैं लेस्ली थंग और जो पेरेंट कंपनी जो टाटा सन्स है इसके मुख्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का जो है अनुमान लगाया है? तो 8.6% जो है आपका GDP सिकुड़ने की अनुमान लगाया है। और बता दूं कि आपको एक GDP से मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से जो है GDP से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्या है GDP इसके बारे में जो है आप जान सकते हैं। चलिए और बता दो कि जो फिच रेटिंग अमेरिकी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना 1914 में हुई और इसकी जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में है। और बता दो कि जो CEO है पॉल टेलर जी हैं और जो GDP है एक ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद ये किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, किस वित्तीय संस्थान ने भारत के सुगुना फूड्स के साथ जो है $15 मिलियन के ऋण का समझौता किया है? तो ADB बैंक के साथ। किसके साथ? ADB बैंक के साथ। और बता दूं कि इस समझौते में कुक्कुट पालन के संचालन, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को जो है बनाए रखने के लिए के बारे में चर्चा की गई है। और बता दूं कि जो सुगुना फूड्स है ये सुगुना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड भारतीय बहुराष्ट्रीय खाद्य उत्पादन कंपनी है और इसका मुख्यालय जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1984 में हुई और इसके अध्यक्ष जो हैं बी सौंदर्य राजन तथा जो MD हैं GB सुंदर राजन जी हैं। और बता दूं कि जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी जो स्थापना हुई वो 19 दिसंबर 1966 में हुई है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और जो इसके अध्यक्ष हैं मात्सुकु असाकावा हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, किस राज्य ने जो है अन्न उत्सव कार्यक्रम को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया है। और बता दूं कि इस कार्यक्रम के तहत उन लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा जो लोग राशन कार्ड से जो है वंचित हैं। और बता दूं कि जो मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी भोपाल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल जो BJP पार्टी से हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, अजय कुमार मित्तल जी हैं और लोकसभा सीट 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की सीट 230 और जो 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। और बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये इत्यादि जो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं कि देखिए जो संजय राष्ट्रीय उद्यान मांडला प्लांट फेसियल या नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। और बता दूं कि कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम है। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। देखिए, किस राज्य की सरकार ने बाबा बाला साहेब ठाकरे के नाम पर जो है दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की है? तो जो बाला साहब ठाकरे के नाम पर दुर्घटना बीमा योजना शुरुआत की है महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तो और बता दो कि जो बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक हैं और दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना से पीड़ित लोगों को जो है अस्पताल में इलाज के लिए जो है 30,000 रुपये दिए जाएंगे। और महाराष्ट्र की बात आई तो इसकी राजधानी मुंबई तथा जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं और जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और जो यहाँ के राष्ट्र मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता जी हैं। और बता दो कि जो राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम और 6 पड़ोसी राज्य जो है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। और बता दो कि जो लोकसभा की सीट 28 तथा जो राज्यसभा की सीट है 29 और विधानसभा की सीट जो है 288 है। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है BARC, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एस बैंक, कोटला महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि ब्रांड जे टॉप 25 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन बैंक से रैंकिंग 2020 में कौन सीट पर रहा? तो HDFC जो बैंक रहा प्रथम स्थान पर रहा। और बता दूं कि जो टॉप 3 जो बैंक रहे, पहला HDFC, दूसरा LIC और तीसरा TS रहा, TCS। और बता दूं कि जो HDFC है हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था और इसके मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष जो है CM वासुदेव हैं, प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी और जो MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने जो है चिकित्सा के लिए जो है ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। किसकी राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। और बता दो कि इस सेवा के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना और ऑक्सीजन सिलेंडरों को राज्य के अंदर और दूसरे राज्यों तक पहुँच उपलब्ध कराना है। चलिए अगले लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश को बलात्कारों की वजह से जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो लाइबेरिया को। लाइबेरिया का जो है राष्ट्रीय आपात जो है देश को बलात्कारों की वजह से घोषित किया गया है। और बता दूं कि बलात्कार बढ़ती हजारों घटनाओं का विरोध होने के बाद लाइबेरिया देश ने यह कदम उठाया। और जो लाइबेरिया है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी मोनरोविया है और राष्ट्रपति जॉर्ज वाई है। और बता दूं कि जो करेंसी है यहाँ की लाइबेरियन डॉलर है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो आपको तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। जब बेल आइकन दबाएं तो उसमें ऑल सेलेक्ट कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।